बलरामपुर जिला मुख्यालय के एमएलके पीजी कॉलेज के हॉकी मैदान पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन आज से शुरू हुआ। यह टूर्नामेंट 12 जनवरी तक चलेगा। वर्ष 1938 में शुरू किया गया महाराजा सर भगवती प्रताप सिंह प्राइज मनी हॉकी टूर्नामेंट आज राष्ट्रीय टूर्नामेंट के रूप में परिवर्तित हो चुका है। पिछले 84 वर्षों से लगातार हॉकी टूर्नामेंट जनपद बलरामपुर जैसे पिछड़े जिले के खेल प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। अब इस हॉकी टूर्नामेंट को हॉकी इंडिया से बी ग्रेड प्राप्त है। इस वर्ष के टूर्नामेंट में देश के विभिन्न प्रदेशों के कुल 14 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। बलरामपुर में महाराजा सर भगवती प्रसाद सिंह अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का शुक्रवार को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ किया गया। जिले के एमएलके पीजी कॉलेज के हॉकी ग्राउंड पर 5 दिनों तक चलने वाले हॉकी के इस महाकुंभ में देश में अलग ख्याति प्राप्त है। भारत के अलग अलग प्रदेशों की 14 टीमें इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रही हैं। हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ बलरामपुर के महाराजा जयेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अनेक विद्यालय के बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई। महाराजा जयेंद्र प्रताप सिंह ने शांति के प्रतीक कबूतर को उड़ाकर टूर्नामेंट की शुरुआत की। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच अमरावती हॉकी महाराष्ट्र और स्टार 11 बलरामपुर के बीच खेला गया। दोनों टीमों के कड़े मुकाबले के बीच स्टार 11 बलरामपुर में 2-1 से जीत हासिल करते हुए अमरावती हॉकी महाराष्ट्र को पराजित किया। इस हॉकी मैच को देखने के लिए हॉकी ग्राउंड पर भारी भीड़ उमड़ी। विजयी टीम स्टार 11 के कप्तान लाइक मोहम्मद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बलरामपुर जैसे पिछड़े जिले में हम लोग हॉकी के खेल को अभी भी जिंदा रखे हुए हैं। हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छे संसाधन न होने के कारण अमूमन हमारी टीम इस टूर्नामेंट में हार जाया करती थी, लेकिन इस बार हमने कड़ी मेहनत के साथ महाराष्ट्र की टीम का कड़ा मुकाबला किया और हमने 2-1 से जीत हासिल की है। उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में हम फाइनल तक पहुंचेंगे और ट्रॉफी भी अपने नाम ही करेंगे। मुबारक हमारे बलरामपुर वासियों के लिए कि ये ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट में जो हमारी टीम प्रतिभाग करती है, बलरामपुर मेजबान है। आज हमें जीत का श्रेय पूरे टीम को दे रहे हैं। पूरे बलरामपुर हमारे जो पब्लिक जो दर्शक हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा। हमने जीत हासिल की और अगले स्टेप में भी जीत हासिल करने का इंशाल्लाह कोशिश है। और कोशिश ये है कि इस टूर्नामेंट महाराजा सर भगवती प्रसाद अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट को उसका जो विनर कप है वो जीतने की लक्ष्य है। हम सबकी एक ख्वाहिश है हम बलरामपुर वासियों के लिए और हम सबकी भी ख्वाहिश है कि एक बार ये टूर्नामेंट में हम विजय हों, हमारा बलरामपुर विजय हों। थोड़े इसमें कमियां रह गई हम सब में और थोड़ा मौसम में भी हमारा सबका साथ नहीं दिया, या तो और अच्छा परफॉर्मेंस हमारी टीम देती इस जगह पे और आप सबका सहयोग पूरे बलरामपुर का सहयोग रहा तो टूर्नामेंट जीत के ही जाएंगे। पी सिंह अखिल भारतीय प्राइज मनी हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन 12:30 बजे हमारे महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष व इस टूर्नामेंट के प्रमुख संरक्षक महाराजा श्रीमान जयंत प्रताप सिंह जी की मौजूदगी में हुआ है। इस टूर्नामेंट में 14 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें से 9 टीमें उत्तर प्रदेश के बाहर की हैं, 5 टीमें उत्तर प्रदेश की हैं। पहला मैच स्टार 11 बलरामपुर तथा हॉकी अमरावती महाराष्ट्र के बीच संपन्न हुआ, जिसमें अभी स्टार 11 बलरामपुर के टीम ने 2-1 से यह मैच जीत लिया है।